ये गुड़िया कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। कहीं नजमा तो नहीं? मैं पूछती हूँ। नजमा जी, यहाँ जो गुड़िया पड़ी थी वो तुमने उठाई है क्या? जी, मैंने अभी गरीब बच्चों के लिए टॉयज और कपड़े कलेक्ट करने वाले फाउंडेशन को दे दिया। डॉल में ऐसा क्या है जो आप लोग इतने परेशान हो रहे हो? मैं वो बहन तो चली गई। चलिए अंदर चलिए। देखिए मिस्टर खान, हो सकता है फूफी की उम्मीद गलत ना हो। एक्चुअल में आपकी अब्बू की कोई मजबूरी रही हो? I don't think so. मैं कभी नहीं मान सकता कि राशिद खान इनोसेंट है। अल्लाह मियां, what's wrong with you, मिस्टर खान? For फूफी's sake, मुझे लगता है हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फूफी पर हुए अटैक का इस सबसे कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मेरी इंट्यूशन कहती है मिस्टर खान की हम सच्चाई के बहुत करीब है। राशिद ने गुड़िया फैक्ट्री को आग? ऐसा क्यों किया राशिद ने? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरवाजा बंद करो। अरे बंद करो। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आराम करना चाहिए था ना। सुनो, यही वो सबूत है ना जिन्होंने बरसों से तुम्हें रजिया के हाथों के कठपुतले बनाकर रखा है? राशिद, इन्हें जला दो और बेटा आजाद हो जाओ। अम्मी, ये सब आपके पास? तुम ये सब भूल जाओ, बस इन्हें जला दो जल्दी से। लेकिन अम्मी आप देखो, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। बेटा तुम इसे जला दो जल्दी से, बिल्कुल वक्त बहुत कम है। जाओ ना अम्मी। इन्हें जला दो और बेटा आजाद हो जाओ। जला दो जल्दी से, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मिस्टर खान, इस सबका आपस में कोई सेंस नहीं बन रहा। क्या सेंस नहीं बन रही? न्यूज़पेपर्स में साफ लिखा है कि सबको शक था उस गुड़िया फैक्ट्री को जानबूझ के जलाया गया, और इसमें फायदा किसका हुआ? उस इंसान का जिसने इस हादसे के बाद उस फैक्ट्री को कौड़ियों के मूल्य खरीदा। अनफॉर्चुनेटली उस
उस आदमी का नाम राशिद अहमद खान है। ओके, थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने फैक्ट्री को आग लगाई थी, लेकिन उन्हें फायदा तब होता जब वो उस जमीन पे कुछ करते। उन्होंने फैक्ट्री को आग लगाई, उस जली हुई फैक्ट्री को खरीदा, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया। वो जमीन 17 साल से खाली है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं राशिद मियां, ये सबूत के अलावा मेरे पास बहुत कुछ है जो आपको सलाखों के पीछे भेज सकता है। गुड़िया फैक्ट्री में लगी हुई आग और उसकी राख बेशक ठंडी हो गई हो, लेकिन उस राख के नीचे दबी चिंगारी, वो चिंगारी तो राशिद मियां अगर आज भी बाहर आ जाए ना, तो आपकी खुशियों को आग लगा सकती है। बात जितनी दिख रही है उसे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात सिर्फ इतनी है कि आप मानना नहीं चाहते कि राशिद खान इनोसेंट नहीं है, और अब सच पता लगाने को कोई रास्ता भी नहीं। एक रास्ता है, और वो रास्ता गुड़िया फैक्ट्री की तरफ जाता है। मिस्टर खान, हमें हमारे हर सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। हो सकता है मिस्टर खान की 17 साल पहले वहां जो कुछ हुआ उसका कोई ना कोई निशान आज भी बाकी हो। क्या हम वहां जा सकते हैं? अब्बू साजिश में क्यों और कैसे फंसे? फुप्पी पर गोली क्यों चली? शायद आज हम ये सब कुछ पता कर लेंगे, और इस साजिश के पीछे जो कोई भी है उसे भी बेनकाब कर देंगे। अरे देर, कहां चले आ रहे हैं आप लोग? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अंदर जाना मना है। अरे ये भी एक बिल्डर है, इनफैक्ट इस शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं, आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं। और ये इस जगह की इंस्पेक्शन करने आए हैं, अगर इन्हें पसंद आई तो ये सारी जगह खरीद लेंगे। हाँ वो ठीक है, आप मालिक लोगों से बात कीजिए, हमें ऑर्डर है कि अंदर कोई नहीं जाएगा। इट्स ओके, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन पहले नहीं जा सकते आप अंदर। यहाँ तक भी पहुँच गए? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? हम ऐसे ही बात करते हैं। ओ रियली, ऐसे बात करते हैं आप? इट्स ओके, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्लेस? एक चली हुई फैक्ट्री पे इतनी सिक्योरिटी, इजंट इट स्ट्रेंज? तो मेरा ख्याल बिल्कुल सही था, असद और ये लड़की जो उसकी मदद कर रही है इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इससे पहले कि ये मुझ तक पहुंचे, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि आगे की लड़ाई मैं नहीं ये बाप बेटा लड़ेंगे। दिलशाद, अस्सलामुअलैकुम राशिद। वालेकुम अस्सलाम दिलशाद। राशिद, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सब खैरियत तो है ना दिलशाद? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। मैं उस साजिश का राज जानना चाहती हूँ राशिद। दिलशाद तुम जानती हो मैं चाहकर भी वो तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते राशिद? आपको बताना होगा, क्योंकि उस राज का साया अब मेरे बेटे पर भी पड़ रहा है। असद को लगता है
कि मुझ पर जो हमला हुआ था और उस गुड़िया फैक्ट्री का कोई ताल्लुक है। और आप तो जानते हैं, अगर असद ने सोच लिया है तो वो इस बात की तह तक पहुंच कर ही रहेगा। इसलिए मेरा जानना बेहद जरूरी है राशिद, कि आखिर इस गुड़िया फैक्ट्री का राज है क्या।